मिशन क्लीन लाहौर, तजावजात के खिलाफ सुबह 10 बजे शुरू होने वाला ऑपरेशन 8 घंटे बाद मुकम्मल। बुलडोजर, क्रेनों और हथौड़ों से तजावजात गिरा दी गई। न्यू नारकली, स्टालर चौक, वेलिंगटन रोड और उर्दू बाजार में तजावजात मिसमार। शेड, थड़े, जंगले, शटर और दीवारें गिरा दी गई। लोडर गाड़ियों में सामान भरकर गोदामों में भिजवा दिया गया। 250 थड़े, 250 पुख्ता शेड और 300 साइन बोर्ड्स गिरा दिए गए। चौहर टाउन में कब्जा ग्रुप मंशा बम के जेरे कब्जा इराजी पर बड़ा ऑपरेशन। भारी मशीनरी से दुकानें, घर, जंगले और प्लॉटों पर कायम तजावजात मिसमार। मंशा बम के जेरे कब्जा 86 केनाल अराजी वागुजार करा ली गई। 34 प्लॉट, 52 दुकानें और 84 नीलाम घर मिसमार। वागुजार कराई गई अराजी की मालियत 2 अरब 20 करोड़ से जायद। सैफल मलूक खोखर ग्रुप भी मुलविस है। इनके खिलाफ दरख्वास्त आई तो कार्रवाई जरूर करेंगे। एसपी ऑपरेशंस मुआज जफर का बयान। मंशा बम हो या कोई और, हुकूमती रिट को चैलेंज करने वालों को नहीं छोड़ेंगे। मुलव्वस अफसरान के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। तजावजात के खिलाफ पंजाब भर में ऑपरेशन हो रहा है। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की मीडिया से गुफ्तगू। मंशा बम के कब्जे से अरबों रुपए मालियत की राजी वागुजार करा ली। माफिया के खिलाफ ऑपरेशन जारी रहेगा। डीजीएलडीए आमना इमरान की गुफ्तगू। मंशा बम नामी कब्जा माफिया से जमीनें वागुजार करवा ली। पीटीआई का कोई एमएनए या एमपीए जमीनों में कब्जे में मुलविस निकला तो तजावजात और कब्जा माफिया के खिलाफ बिला तफरीक ऑपरेशन जारी रहेगा। सूबाई वजीर हाउसिंग मियां महमूद रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सियासी सरपरस्ती नाजायज तजावजात की अहम वजह है। यकसां पॉलिसी अख्तियार करेंगे। मौजूदा हुकूमत ने कानून की बालादस्ती के लिए गैर मकबूल फैसला किया। तजावजात के खात्मे और सरकारी जमीन की वापसी के लिए हर जिले को टारगेट दिया है। सीनियर सूबाई वजीर अब्दुल अलीम खान की मीडिया से गुफ्तगू। शहबाज शरीफ के करीबी साथी राणा मशहूद अहमद का बड़ा इंकशाफ। एस्टेब्लिशमेंट से मामला तय करने का दावा। कहते हैं डील करने वाले लोग नहीं, ये इदारे हमारे हैं, हमें इनको इज्जत करना है। अब पीटीआई को कारकर्दगी दिखाना होगी। 100 दिन का हनीमून पीरियड नहीं दिया जाएगा। आइंदा चंद दिनों में आप बड़ी तब्दीली देखेंगे। पंजाब में बहुत जबरदस्त तरीके से सामने आएंगे। सानिहा मॉडल टाउन इस्तगासा केस की इंसदादे दहशतगर्दी की खसूसी अदालत में समाअत। समन वसूली के बावजूद साबिक आईजी की अदम पेशी पर अदालत का इजहार बरहमी। मुश्ताक सुखेरा के काबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। समाअत कल तक के लिए मुलतवी। पंजाब कंपनीज और हाउसिंग सोसाइटी स्कैंडल में बड़ी पेशरफ्त। नैब को करप्ट अफराद के खिलाफ अहम सबूत मिल गए। महंगे ठेके दिए गए, गैर कानूनी इकदाम भी उठाए गए। डीजी नैब की चेयरमैन नैब को ब्रीफिंग। बदउनवान अनासर से लूटी रकम वापस खजाने में जमा कराएंगे। तमाम इंक्वायरियां बर वक्त मुकम्मल की जाएं, चेयरमैन नैब की हिदायत। मजीद 89 केसेज में इंक्वायरियों की भी मंजूरी दे दी गई। दफ्तर के बाहर एहतजाज करने वाले हाउसिंग सोसाइटी मुतासरीन से भी मुलाकात की। मुजाहिरीन को जल्द मामला हल करवाने की यकीन दहानी। इसहाक डार के असासे बराए फरोख्त। असासा जात रेफरेंस में एहतसाब अदालत का बड़ा फैसला। साबिक वजीर खजाना इसहाक डार का गुलबर्ग में घर और गाड़ियां नीलाम और 6 बैंक अकाउंट्स में मौजूद रकम कौमी खजाने में जमा कराई जाए, अदालत का हुक्म। साफ पानी से आबशार और फवारे चलाने पर पाबंदी आयद कर दी गई। हाई कोर्ट का तमाम होटल्स, क्लब, इंडस्ट्री मालकान से पानी का बिल वसूल करने का हुक्म। लाहौर न्यूज वाले पार्कों में ट्यूबवेल चलते दिखा रहे हैं, लेकिन इंतजामिया सोई पड़ी है। जस्टिस अली अकबर कुरैशी के रिमार्क्स। एमडी वासा की पानी बिल वसूल करने के लिए पुलिस फोर्स की दरख्वास्त। अदालत का सीसीपीओ को नफरी फराहम करने का हुक्म। स्मोक का खतरा, पंजाब भर में दफा 144 नाफिज। 1 अक्टूबर से 16 दिसंबर तक सुबह भर में फसलों को जलाने पर पाबंदी आए।
महकमा दाखिला की जानिब से हुक्मनामा जारी। खेतों में फसलें जलाने से स्मोग और फिजाई आलूदगी बढ़ती है। अथॉरिटी की कार्रवाई, मुख्तलिफ इलाकों से 11 लाख गंदे अंडों की एक और बड़ी खेप पकड़ी गई। गंदे अंडों की खरीद और स्टोरेज किसी मुनज़्ज़म कारोबार का हिस्सा है डीजी फूड अथॉरिटी। प्राइवेट स्कूल 1500 से लेकर 40,000 रुपए तक की फीसें वसूल करते हैं, यकसां तालीमी निसाब के लिए कोशिश कर रहे हैं वफाकी वजीर तालीम शफकत महमूद की गुफ्तगू। बोले गवर्नर हाउस को म्यूजियम बनाने की तजवीज जेरे गौर है, लोग बागे जना और दीगर पार्क्स को छोड़कर गवर्नर हाउस को तरजीह देते हैं। सूबाई वजीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद से बरतानवी इदारे डेफ्ट के वक्त की मुलाकात, दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। सूबाई वजीर सेहत का मेडिकल यूनिवर्सिटियों के वाइस चांसलर्स के साथ इजलास, महकमा हेल्थ में इस्लाहात से मुतालिक मुशावरत। डॉक्टर यास्मीन राशिद का कहना है कि खैबर पीके में शोबा हेल्थ के तजर्बात से फायदा उठाएंगे। महकमा इरीगेशन एंड ड्रेनेज अथॉरिटी का इजलास, पानी चोरों के खिलाफ घेरा तंग करने का फैसला। इजलास की सदारत सूबाई वजीर सरदार मोहसिन लगारी ने की। महकमा स्कूल एजुकेशन की गाड़ियां भी फरोख्त होंगी, कायद एकेडमी फॉर एजुकेशन डेवलपमेंट ने फालतू गाड़ियों की फहरिस्त तैयार कर ली। 21 शाहजोर गाड़ियों समेत 89 गाड़ियां फरोख्त की जाएंगी, सूबाई वजीर तालीम मुराद रास ने मंजूरी दे दी। अंजुमन ताजरान लाहौर के वफ्द की लाहौर चैंबर के 9 मुंतखब अहदेदारों से मुलाकात, 9 मुंतखब सदर लाहौर चैंबर अलमास हैदर को कामयाबी पर मुबारकबाद। हर 9 में से एक खातून ब्रेस्ट कैंसर में मुब्तला, पाकिस्तान में ब्रेस्ट कैंसर की खातीन में मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। शौकत खानम अस्पताल में ब्रेस्ट कैंसर से आगाही के लिए तकरीब का इनेकाद।